हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल माय सेल्फ हरीश पडोनी। गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे गूगल ऐड में बिलिंग इन्फॉर्मेशन को हम अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स पे, उसके बाद जाना हमें बिलिंग सेक्शन पे और यहाँ पे हमें समरी पे हमें क्लिक करना है। हमारे पास ये वाला पेज खुल जाएगा, पेमेंट सेटअप। तो पेमेंट सेटअप पे अगर यहाँ पे कंट्री का नाम सेलेक्ट नहीं हो रखा है तो वो कर लेना है। उसके बाद हमें अपना, हम किस चीज़ में अपना अमाउंट को देखना चाहते हैं, तो INR कर सकते हैं, कोई डॉलर में भी होता है अगर आपके पास बाहर का कोई क्लाइंट है तो उसके लिए आप यहाँ पे डॉलर में कर सकते हो, बट मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया पे। और यहाँ पे उसके बाद हमने अकाउंट टाइप पे, अकाउंट टाइप यहाँ पे दो टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन का है, एक है यहाँ पे इंडिविजुअल। अगर आपका अपना अकाउंट है तो उसमें आप इंडिविजुअल डालोगे, और अगर आप किसी कंपनी का यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे फिर कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जितना आप पे करोगे, जितना आप पे करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे और सबमिट पे हम क्लिक कर लेंगे। बट अगर आपका इंडिविजुअल है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है आपके पास। सपोज आप इसमें जाते हो कि नेट बैंकिंग में आप जाते हो या मनी ट्रांसफ़र पे जाते हो, अभी तो एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का था। अगर सपोज यहाँ पे जाते हो आप मनी ट्रांसफ़र पर, यहाँ पे मैं सपोज़ अपना नाम लिख लेता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पे, और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखो आपका नाम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, और यहाँ पे सिटी पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, और स्टेट यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है। बट अगर हम यहाँ पे नेट बैंकिंग में जाएंगे तो हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप जो भी मेथड यूज करोगे। और यहाँ पे ऐड पेमेंट वॉलेट, अगर आप पेटीएम अकाउंट से भी पे कर सकते हो तो यहाँ पे आपने अपना नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपके नंबर पे कोड आएगा वो डाल देना है, यहाँ पे अपना आपने नाम डाल देना है, और यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल देनी है अपनी, और स्टेट डाल देना है, और कितना आप पे करना चाहते हो एग्री पे, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर। तो इसमें अभी गूगल ने हमारे को काफ़ी ऑप्शन दिए, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र है, नेट बैंकिंग है, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, और यहाँ पे हमारा पेटीएम है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर मेथड है। उसके बाद हम दूसरे पे आ जाते हैं, यहाँ से इसके बाद इंडिविजुअल पे। तो इंडिविजुअल पे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल का पेटीएम भी आ रहा है, नेट बैंकिंग आ रहा है, मनी ट्रांसफ़र है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, ऐड अ पेटीएम वॉलेट है। तो ये जो भी आप चूज करोगे उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे, उसके बाद आपने अमाउंट ऐड करना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे और सबमिट कर लेना है। तो आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। सपोज आप पेटीएम के थ्रू आप करना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर पड़ेगा और यहाँ पे पिन कोड आएगा, उसके बाद जैसे आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो जितना आप अमाउंट डालोगे वो यहाँ पे गूगल ऐड में अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे आप फिर से करोगे तो ये बार बार बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, उसके बाद डायरेक्ट जो पैसा है सीधा आपके गूगल अकाउंट पे चला जाएगा, अगर आप पेटीएम के थ्रू फिर दूसरी बार आप डालोगे। गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।